मटकियां यार इधर जोड़ के रख दी हैं। अभी यार लाइन्स है, अभी यार लाइन्स है। पेंटर भाई को बुला के अच्छा सा ना अपने चैनल का नाम लिखवाएंगे। इस वाली जगह पे यार हम ना किसी का केज बना रहे हैं। कोई परिंदा सारा कंप्लीट बच्चा बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब यार। आज फाइनली यार रात को काफी जरा बारिश पड़ी है यार, जिसकी वजह से ना हमारी सारी की सारी पैरट सिटी में यार पानी भर गया है। और धूप यार अभी अभी काफी जरा अच्छी निकल रही है। हमारी सारी की सारी छत दोस्तों गीली हुई पड़ी है। अभी यार सारे के सारे पेट्स को खोल दिया और यार देखते हैं कहीं हमारे केजेस में दोस्तों लीकेज तो नहीं हो रही थी। यार अभी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यार अभी ऐसा करते हैं, जल्दी से ना अपने सारे के सारे पेट्स को बाहर निकाल देते हैं। 3 2 1। अभी यार मैंने ना माशाल्लाह अपने सारे के सारे पैड्स को दोस्तों बाहर निकाल दिया और ये देखिए यार रात को इतनी ज्यादा बारिश पड़ी है कि सारे के सारे कपड़े दोस्तों गीले हो गए हैं। और अभी यार मैंने अपने सारे के सारे पैड्स को खोलता हूँ और फिर मैं ना आपको यार आज की गुड न्यूज देता हूँ। तो ये ले दोस्तों, मैंने अपने सारे के सारे पैड्स को यार माशाल्लाह से खोल दिया। सारे के सारे खुल गए हैं सिवाय दोस्तों अपने चिली के। यार हमारा चिली यार मैंने इसलिए नहीं खोला क्योंकि यार ये और सुल्तान आपस में काफी जरा झगड़ा करते हैं। जब दोस्तों हम अपने सुल्तान को बंद करेंगे ना तब अपने चिली को खोल देंगे। तो अभी यार बारी है अपने मजनू को यार डाइट डालने की। तो यार मजनू का ना मैंने अंदर ही ना बंद किया हुआ है इधर। ये देखिए यार माशाल्लाह बोल भी रहा है, कह रहा है मुझे डाइट जल्दी दो। तो अभी यार हमने इधर से अपने पटेरों को यार पकड़ना है, इनको जल्दी से यार पकड़ते हैं और बड़े केज में शिफ्ट कर देते हैं ताकि यार ये भी ना थोड़ा खेल कूद लें। यार अभी फाइनली दोस्तों हमने ना पटेरों को दोस्तों बड़े केज में शिफ्ट कर दिया और इधर दोस्तों मैंने अपने मजनू की डाइट भी बिल्कुल तैयार कर दी है। मजनू को दोस्तों डाइट वगैरह डाल दिया और इधर माशाल्लाह हमारी दोस्तों कैट भी ना बाहर आ गया है। काफी जरा शरीफ कैट है माशाल्लाह और कुछ भी नहीं कहती यार, आराम से इधर बैठी हुई है। इसको भी दोस्तों हमने ना सुबह की डाइट डाल दी है और अभी दोस्तों 1-2 घंटे तक ना इसको दोस्तों हम ना दोपहर की डाइट भी डाल देंगे। कैट हो बहुत ज्यादा शरीफ हो तुम, बहुत ज्यादा शरीफ दोस्तों, मेरे साथ बहुत ज्यादा ये खेलती है। और अभी फिलहाल ना इसको हम बाहर निकालेंगे जब दोस्तों हम ना सारे के सारे पैट्स को बंद कर देंगे। ये दोस्तों मैं इनके लिए दाना वगैरह पकड़ने आया हूँ लेकिन यार इनके काम चेक करें, अंदर यार बाल्टी के ये घुस गए हैं। इनको दोस्तों बाहर निकालते हैं, इसके ऊपर दोस्तों रखते हैं ढक्कन। और ये दोस्तों मैंने इनका दाना वगैरह पकड़ लिया। अभी यार लाइन्स है इसमें ऐसे कर देती है यार, बहुत बुरा काटा यार सुल्तान ने। तो यार ये चेक करें, ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, सुल्तान ने बहुत ज्यादा बुरी बाइट की है। तो यार आपको पता है कि रैबिट हाउस बनाने के बाद ना दोस्तों हमारे पास ना कुछ सीमेंट दोस्तों एक्स्ट्रा बच गया था जो कि दोस्तों इसमें पड़ा हुआ था और अभी भी दोस्तों रेत काफी ज्यादा एक्स्ट्रा बची हुई है। तो मैंने दोस्तों उसका ना रिसाइकलिंग करके ना दोस्तों ये वाला बना दिया है। अब दोस्तों जब बारिश पड़ेगी ना तो इसके बीच एक तो पानी नहीं जाएगा और दूसरा दोस्तों इसका फायदा ये है, मैं आपको बाहर जाकर बताता हूँ। ये देखिए यार हमारी पैडर सिटी के बाहर निकलेंगे और इधर दोस्तों इंशाल्लाह हम अपने चैनल का दोस्तों नाम लिखेंगे जो कि काफी जरा खूबसूरत लगेगा। यार अभी ना हमारे पास सीमेंट कम हो गया था इसलिए यार हमने ना ये वाले इसे छोड़ दिया। अभी हम सीमेंट लाते हैं, ये मुकम्मल करते हैं। जब ये खुश्क हो जाएगा ना फिर हम पेंटर भाई को बुला के अच्छा सा ना अपने चैनल का नाम लिखवाएंगे। तो बाकी यार काफी देर हो गया, हमारे सारे के सारे पेट्स ने यार तकरीबन डाइट वगैरह खा लिया, सब अब वैसे ना घूम फिर रहे हैं। यार अभी ऐसा करते हैं सुल्तान को यार अपने पिंजरे में बंद करते हैं और चिली को यार बाहर निकालते हैं और साथ में यार अपने मजनू को भी यार बाहर निकाल के डाइट वगैरह डाल देते हैं। तो ले जी दोस्तों अभी मैं सुल्तान को यार इधर पकड़ने आया हूँ और यार मेरा ध्यान पड़ा है यार इस चीज के ऊपर, यार हमारी डक्स टाउन था ना जो वो सारा का सारा दोस्तों बारिश की वजह से खराब हो गया, सारा का सारा पानी भी इकट्ठा हो गया। अब यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मट्टी को दोस्तों हम इधर से खत्म करते हैं और यार सीमेंट का ना इधर प्यारा सा ना डक्स टाउन एक तो बनाते हैं और यार बहुत ज्यादा डक्स भी लाएंगे लेकिन उससे पहले इसको हम लोग पकड़ लें। तो अभी यार सुल्तान को मैंने बंद कर दिया, चिली को यार बाहर खोल दिया, अभी ये भी ना दाना वगैरह खा लेगा। और इधर से यार मैं ना अपने मजनू को भी दोस्तों बाहर खोल के ना उसको डाइट वगैरह इधर ही ना इनके साथ ही डाल देता हूँ। यार मैं सोच रहा हूँ एक तो मजनू यार ये देखिए ओए शुक्र बच गया, ओ भाई रा भाई रा भाई रा शुक्र यार मैंने ना मजनू को नहीं खोला। मजनू को यार अंदर ही डाइट डाल देते हैं वरना असील चूजे यार इनको मारना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ले दोस्तों मैंने अपनी बेबी डक मजनू को भी दोस्तों डाइट वगैरह डाल दिया है, पानी भी रख दिया है, अब यार इधर से ये खाता रहेगा। तो यार ये देखे रेत में कितने ज्यादा खुश हो गए खेल रहे हैं और ये वाली जो हमारी हर्ट्स थी ना यार बारिश ने सारी की सारी खराब कर दी है। चले कोई बात नहीं यार हम ना आज का काम अपना कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यार, आज का हमारा काम ये है कि यार हमने अपनी सारी की सारी दोस्तों मटकियां जो हमने लगाई थी ना यार वो हमने उतारनी है। दो दोस्तों इधर बॉक्स लगे हुए हैं यार, एक बॉक्स है एक मटकी है दोस्तों, एक बॉक्स वहां है और दो मटकियां वहां है, इसी तरह यार चार मटकियां ये भी लगी हुई हैं। सबसे पहले यार हमने ना आज सारी की सारी मटकियां उतारनी है, उनको दोस्तों कलर करना है और फिर यार इंशाल्लाह हम ना कल उनको ना पैलेट सिटी के अंदर लगा देंगे।
तो यार ऐसा करते हैं, सबसे पहले यार सारी की सारी मटकियों को दोस्तों उतारते हैं। यार एक चीज मैं बोल ही गया यार, अगर किसी मटकी में यार अंडे वगैरह हुए ना तो यार उसको हम लोग छोड़ देंगे और बाकी मटकियां जो भी बची यार उनको हम लोग उतार देंगे। तो दोस्तों मैंने इधर यार सीढ़ी वगैरह लगा दी है, अभी यार मैं एक एक करके पहले सारी की सारी मटकियों को दोस्तों चेक कर लेता हूँ यार किसी में अंडे बचे तो नहीं है, फिर यार अगर किसी में अंडे बचे हुए तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यार अभी मैंने ना तीनों की तीनों मटकियां यार इधर से उतार दी और यार बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं था यार मटकियों के अंदर, मटकियां दोस्तों मैंने ना वहां सामने रख दी है। और अभी यार इन चार मटकियों की बारी है, इनमें भी यार देखते हैं अगर कोई अंडे वगैरह है तो ठीक है, वरना यार इनको भी हम लोग ना उतार देते हैं। तो अभी यार पहली मटकी मैं आपके सामने यार चेक करता हूँ कि शायद यार इसमें ना अंडे वगैरह हों। ये देखिए यार रात को काफी जरा बारिश हुई है तो यार शॉपर में भी ना पानी भर गया सारा का सारा गंदा, तो यार ये मैं सारी की सारी उतारता हूँ। तो यार ये चेक करे इस मटकी के अंदर यार कुछ भी नहीं है यार, नेस्टिंग भी नहीं है, अंडे भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। इसी तरह यार मैं सारी की सारी मटकियां पहले चेक करता हूँ, अगर यार किसी में हुए तो यार उसको रहने देंगे, वरना यार हम ना सबको उतार देते हैं। तो यार मैंने ना फाइनली यार दो मटकियां उतार दी है, दो यार रहती हैं। और ये देखिए यार इनके शोपड़ों में ना कितना ज्यादा पानी था, पहले यार हमने मटके को ऊपर शोपड़ रखा था, फिर ऊपर जो है ना उसका ढकना रखा था, तो यार फिर भी ना शोपड़ में काफी ज्यादा पानी था। तो अभी यार मैंने यार ये वाली यार मटकी उतारा था, सारा का सारा पानी यार मेरी जैकेट के ऊपर गिर गया। अभी यार मैं जैकेट को धो के दोस्तों आता हूँ और फिर यार इन दोनों को उतारते हैं और सामने वाली दो भी यार उतारते हैं। तो फाइनली यार तीन से चार घंटों की मेहनत के बाद दोस्तों हम ना इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यार हमने ना सारी की सारी मटकियां यार इधर जोड़ के रख दी हैं, तो काफी जरा यार प्यारी लग रही है। उसके बाद ये देखिए यार इनमें ना अभी भी ना यार बारिश का पानी है, तो पहले यार हमें सारी की सारी मटकियां अच्छे से धोनी पड़ेंगी, इनके ढकने दोस्तों धोने पड़ेंगे और फिर यार हम ना इनके ऊपर पेंट वगैरह कर सकते हैं। बाकी यार हमारे सारे के सारे पैड्स वैसे ही खुले हुए हैं, यार जल्दी से ना हम सबके सब पैड्स को बंद कर देते हैं और फिर यार हम ना अपने पिजन्स को यार खोल देंगे। ये देखिए यार काले कलर की बिल्ली है, शुक्र यार मैंने इसको देख लिया, वरना यार इसने ना हमारा कोई ना कोई असील चूजा यार गायब कर देना था। तो यार मैंने ना अपने सारे के सारे यार मुर्गों को ना इधर बंद कर दिया, शुक्र यार हमारे इन वाले चूजों की ना लड़ाई तो दोस्तों खत्म हुई है। मजनू दोस्तों वहां सामने बंद है और नहीं नहीं बाहर नहीं जाना यार, बाहर नहीं जाना यार, मैं इस दरवाजे को ना जल्दी से बंद कर देता हूं और अपनी गुआनोफॉल को भी दोस्तों इनके साथ में बंद कर देता हूं। तो अभी यार हमारा ब्लैक वाला पेड़ है ना यार जो कबूतरों का दोस्तों, ये वाला जैक के दोस्तों माँ बाप इनका यार एक अंडा खराब हो गया था, एक नहीं बल्कि यार दोनों ही अंडे इनके खराब हो गए थे। यार एक अंडा मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी यार उसमें देखते हैं बच्चा बना है। और ये देखिए यार सारा का सारा बच्चा बना हुआ था, बहुत जरा मुझे दुख हो रहा, सारा कंप्लीट बच्चा बना हुआ है। तो अभी यार मैं ना बिल्ली के लिए यार इसकी ना खुराक वगैरह ले आया हूं, यार ये ना मुर्गियों की ना सीढ़ियां खाती है, एक दोस्तों अभी डाल देते हैं और एक यार इसको ना शाम को डाल देंगे। यार पिजन्स मैंने बाहर निकाल दिए हैं, माशाल्लाह काफी जरा खुश हो रहे हैं। और अभी यार इस वाली बिल्ली को ना यार ये वाली गर्दने में सोच रहा था यार पहले बाहर निकाल के खिलाएंगे, लेकिन यार अभी फिलहाल पिजन्स खुल गए हैं तो ऐसा करते हैं यार इसको या फिर उधर बांध देते हैं या फिर यार मेरे ख्याल से अंदर ही डाल देते हैं। अभी यार मैं ऐसा करता हूँ यार इन मुर्गियों का ना यार इनकी सीरी दिखाता हूँ, भला यार इनका ना क्या रिएक्शन होता है इसको देख के। लो जी इसको खाना भला तुमने, यार ये देखिए अपनी सीरी को भी यार ये नहीं छोड़ यार, कितने पागल है यार ये, अपनी सीरी तो यार छोड़ दो तुम लोग, चलो यार ये तो है ही पागल यार, इनको नहीं डालनी। हम ऐसा करते हैं इधर से ना अपनी यार बिल्ली को डाल देते हैं, बल्कि मुझे कैमरा यार ओए 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 ये लो भाई खा लेगी यार खुद ब खुद अब खा लेगी। मैं यार जरा पिजन्स को देख लेता हूँ, ये क्या यार पिजन सारे के सारे कोई उधर गया हुआ है कोई इधर है यार। अभी ना मैं मटकियों को यार धोना स्टार्ट करने लगा हूँ, तब तक यार हमारे पिजन्स यार खुले हुए हैं। आज यार सूरज भी ना बादलों के बीच में छुपा हुआ है, मौसम काफी जरा अच्छा हुआ है और बादल भी यार काफी जरा प्यारे लग रहे हैं, कभी धूप आ जाती है कभी धूप चले जाती है। और अभी यार ये देखे कितनी जरा तेज धूप आ गई और अपने तीन पिजन्स इधर है और दो पिजन्स यार अभी केज के अंदर ही है। आज मैंने आपको यार बच्चा दिखाया नहीं है, यार सबसे पहले मैं आपको ना बच्चा भी इनका दिखा देता हूँ। ये देखिए यार जिन्होंने अंडे बच्चे नहीं दिए वो अंदर ही हैं, मुझे लगता है यार दोबारा से अंडे देने वाले हैं। और जिन्होंने दोस्तों अंडे बच्चे दिए हुए हैं वो बाहर घूम रहे हैं और उनका बच्चा दोस्तों ये बैठा हुआ है। मुझे यार शक पा रहा है कहीं मुर्गी का अंडा भी यार अल्लाह ना करे डेड इंशाल्लाह ना हो गया, और मुर्गी के अंडे में से भी दोस्तों बच्चा नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या बात है। मुझे लगता है अभी या फिर दिन नहीं हुआ या फिर डेड इंशाल्लाह हो गया, क्योंकि यार इस बार ना मौसम भी सही नहीं था। तो अभी यार माशाल्लाह बच्चे ने आंखें वगैरह भी खोल ली है तो इसको यार डिस्टर्ब नहीं करते। यार इनको ना मट्टी खाने की यार बहुत ज्यादा बुरी आदत पड़ गई है, जहां भी यार मट्टी वगैरह देखते हैं ना यार ये ना पड़ जाते हैं उसको, जैके मैंने कल ही ना पर माशाल्लाह से ट्रिम कर दिए थे, तो अभी यार ये कहीं भी नहीं जा सकता। अभी यार मैं आपके लिए यार बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ जो कि यार आपको मैं कल रिवील करूंगा। बाकी यार मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इस वाली जगह पे यार हम ना किसी का केज बना रहे हैं। ये देखिए यार आपको लकड़ियां वगैरह भी ना नजर आ रही होंगी और टूटी फूटी ईंटें वगैरह भी पड़ी हुई हैं। और ये देखिए यार आपने अब गैस करना है कि यार ये वाली छोटी
छोटी सी जगह पे ना हम किसका केज बना रहे हैं और इधर कौन सा परिंदा वगैरह सरवाइव कर सकता है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ यार, कोई ना कोई परिंदा है, आपने उसका नाम बताना कि यार वो कौन सा परिंदा है जिसका हम ना इधर घर बना रहे हैं, तो आपने जरूर गैस करना है। तो बाकी दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और आपके अपने चैनल ब्लीड बर्ड फैमिली को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।